गुजरातवासी कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बातों में आएगा। बीजेपी आएगी वहाँ, सारी सीटों पर आएगी बीजेपी, इसको एक सीट नहीं मिलेगी वहाँ। जैसे दिल्ली में दारू दारू इन्होंने चला दी चारों तरफ, ऐसी ये गुजरात में भी चाह रहे हैं दारू दारू चलाओ, और पंजाब में खूब फैल गई चल रहा नशा। केजरीवाल हारेंगे, केजरीवाल का कहीं अता पता नहीं है। दिल्ली में जो काम किया है ना, जो गड्ढा खोद के रखे है, न पानी सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच गए हैं और लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं। उनका ये कहना है गुजरात की जनता से कि गुजरात की जनता एक मौका केजरीवाल जी झाड़ू को दे तो केजरीवाल पूरी साफ सफाई गुजरात में कर देंगे और डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन दिल्ली मॉडल की लगातार केजरीवाल जी चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल है क्या? चलिए दिल्ली से बातचीत, दिल्ली के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या केजरीवाल ने दिल्ली को एक बेहतरीन डेवलपमेंट करके दिखा दिया है, यहाँ की जनता की क्या राय है। सर, आपके मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं गुजरात, चर्चा की जा रही है दिल्ली की, क्या लग रहा है? गुजरात में भी कह रहे हैं अब की बार हमारी सरकार आने वाली। दिल्ली को तो नरक बनाया गया, वो दिल्ली तो लूट खाई वाने। गुजरात में एक सीट नहीं मिलेगी, 1% वोट मिलेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ भी लूट खा जाएगा गुजरातियों को भी, कुछ नहीं है उसके पल्ले, झूठा नंबर वन का है वो। दिल्ली लूट ली उनने, गुजरात भी लूटने गया है वो, पर उसे कुछ नहीं मिलेगा। अरे एक नंबर के ईमानदार आदमी है अरविंद केजरीवाल जी, कहाँ हो आप? सबसे बड़ा चोर है वो, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा झूठा, जो कहता है वो करता ही नहीं है, दूसरे काम करता है वो, कुछ नहीं कहता वो। कह रहे हमने जो किया वो करा, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, कुछ नहीं दिया उन्हीं को दिया जो, बस खत्म मामला कर दिया। दिल्ली के दंगे उसने कराए, बिजनेस उसने खत्म कर दी, विकास कोई नहीं करा आज तक, जमुना उसने नहीं साफ सफाई करी, कुछ नहीं, सब खा गया पैसे को, लूट लूट खा रहा है, गुजरात गया है लूटने के लिए वो। गुजरातवासी कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बातों में आएगा। बीजेपी आएगी वहाँ, सारी सीटों पर आएगी बीजेपी, इसको एक सीट नहीं मिलेगी वहाँ। वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता खुश है, गुजरात की जनता भी ये नारा लगा रही है कि गुजरात में चलेगी झाड़ू, वहाँ झाड़ू फाड़ू कुछ नहीं चलेगी, यहाँ दिल्ली में भी खत्म मामला है उसका। अच्छा जी, हाँ बाबू जी कह रहे हैं गुजरात में नहीं चलने का, गुजरात में क्या होगा? गुजरात में इनके विचार इनके साथ हैं जी। क्या लग रहा है आपके, क्या विचार हैं? केजरीवाल केजरीवाल हर जगह केजरीवाल, गुजरात में भी बिल्कुल केजरीवाल, झाड़ू झाड़ू, प्रधानमंत्री भी आगे की आगे, आज की डेट में केजरीवाल 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 सब, दारू गुजरात में, दारू गुजरात में, दारू हाँ गुजरात बंद है, गुजरात में दारू, ये चाह रहे हैं ना गुजरात में भी दारू। जैसे दिल्ली में दारू दारू इन्होंने चला दी चारों तरफ, ऐसी ये गुजरात में भी चाह रहे हैं दारू दारू चलाओ, और पंजाब में खूब फैल गई चल रहा नशा। कह रहे गुजरात में दारू चलेगी, कोई नहीं है, नवयुवक है कुछ ही कह सकते हैं, पीने वाले भी यही है, पीने वाले तो नवयुवक जितने भी नए लोग हैं, नए लड़का हैं, इन्होंने ही तो कहा था ना पहले पहले, वो कौन से कह रहे थे कि डेसू वालों ने वो केमिकल बना दिया है जिससे सब साफ हो रहा है, अब क्या हुआ, अब पंजाब में नहीं चल रहा, उनसे पराली जला रहे हैं, काम कर रहे हैं, कह रहे कि वो केमिकल काम आएगा, अब वो केमिकल कहाँ चला गया, उड़ गया, 23 लाख रुपए का केमिकल, 23 करोड़ रुपए, ये गोली देने वाले बाबा हैं। यूं कह रहे हैं केजरीवाल जी, हाँ जी, यूं क्या गुजरात में चलेगी झाड़ू? नहीं चलेगी झाड़ू, बीजेपी आएगी वहाँ पे, बीजेपी बिल्कुल 101% है ना। एक बात बताओ, हम तो एक ही बात जाने हैं, जो भी आदमी है काम करो ढंग के करो, ये नहीं कि जहाँ भी जो आए मन में बोल दो फिर तुम्हारा वही काम चलता नहीं है। पंजाब में बोला मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, क्या हुआ? गुजरात में भी कह रहे 300 यूनिट दूंगा आपकी, तो गोलीबारी तो चली रही है ना, गोलीबारी तो है, आप भी ले लो, मैं भी ले लो, मैं भी ले लूं, ले लो आप, मैं तो किसी का नेता नहीं हूँ ना। अच्छा, आप नेता नहीं हो भैया? मैं तो यही कह रहा हूँ, हम तो नए लड़के हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। यूं कह रहे स्कूल तो बहुत बढ़िया करवा दिए भैया, स्कूल भैया मैंने आपसे क्या कहा, अगर बढ़िया करा दिए हैं तो अच्छी बात है, तुम्हारा ये धर्म कर्म है, तुम्हें करना चाहिए, और पर ये थोड़ी कि ठेका भी स्कूल के बगल में खुलवा दो, बताओ ना। एक तरफ पढ़ के निकले, दूसरी तरफ दारू, एक तरफ पढ़े और दूसरे दारू पी लें, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने अच्छे हो गए, तो यही काम बाकी रहा। ठेका उन्हीं का अस्पताल, उन्हीं की एजुकेशन, उन्हीं का ठेका, उन्हीं का अस्पताल, उन्हीं की एजुकेशन, खूब बढ़िया करो, मंत्री बना रखा बस जी, ये आपके यहाँ के ही है। हाँ तो मैं तो क्या ही भैया, मैं तो क्या ही रहा हूँ, लेकिन चलो जी बढ़िया। सीबीआई बेफिजूल में फंसा रही मुझे, नहीं तो वो सीबीआई फंसा रही, तो भैया वो अब बता देगी थोड़े दिन बाद कि फंसा रहा था या मैं कुछ कर रहा था। अरे स्कूटी पे बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या होगा गुजरात में बीजेपी? क्या लग रहा है गुजरात में आपके पहुंच गए मुख्यमंत्री, कह रहे हैं हमारे जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा गुजरात में, क्या होगा केजरीवाल की झाड़ू? केजरीवाल की झाड़ू देखो अभी
इस बार तो लगना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम उनको देना पड़ेगा। भले ही दिल्ली में उन्होंने अच्छा काम किया है, कई चीज़ें अच्छी की है, हर जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगह हैं जिन्हों जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे भाई पार्टी से जुड़े हुए भी हैं इसलिए खास। आपकी तो पार्टी है, आइए आइए, क्या लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, केजरीवाल जी बिल्कुल छाएंगे और गुजरात में पूरी की पूरी सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, लो जी बाबा जी इन्होंने कह दिया छा गए केजरीवाल। हाँ बिल्कुल, बन जाए उनकी सरकार, गुजरात में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक सीट नहीं, मैंने पहले बोली है सीट नहीं आएगी, सीट नहीं आ रही, तुम कह रहे गुजरात में सरकार बनेगी। अजी इनके कहने से क्या होता है, आपका जो सर्वे चल रहा है, आपका आपके मीडिया वालों का सर्वे जो बता रहा है उसी के मुताबिक आप उठा के सारे नतीजे देख लीजिए क्या चल रहा है। यूपी में सर्वे दिखाया जा रहा था, यूपी में बाबा आ गए। अरे वो छोड़िए, जो हो गया वो हो गया, अब जो होने जा रहा है उस पे टारगेट कीजिए। केजरीवाल हारेंगे, केजरीवाल का कहीं आता पता नहीं है। दिल्ली में जो काम किया है ना, जो गड्ढा खोद के रखे हैं, न पानी सही है, न वृद्धा पेंशन बन रहा है, न राशन कार्ड किसी के बन रहा है। फ्री तो मिल रहा है ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री फ्री किसको मिल रहा है? शराब फ्री नहीं मिल रहा है तो शराब फ्री तो वही कर रहा है। स्कूली बच्चों को जो है दारूबाज बनाना इनका काम है, बेवड़ा बनाना काम है इनका, और क्या काम है? इससे बढ़िया नीति कहाँ है? उन्होंने कहा हम मनीष सिसोदिया जी ने कि हमने बहुत बढ़िया नीति बनाई थी दारू की, तो ये बीजेपी वाले बदनाम कर गए। नीति बनाए तो है कि स्कूली बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, कि कोई एक नया स्कूल नहीं बनवाए, वृद्धा पेंशन नहीं दिए किसी। हाँ बताओ इनको जवाब, आप कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में पता नहीं है क्यों स्कूल? अरे स्कूल की कितनी तरक्की हुई है आपने देखे नहीं है? स्कूल की कितनी तरक्की हुई है कितने स्कूल बनाए ये तो बताओ। और दूसरी बात यह है कि कौन सा काम गिनती तक कराओ, कम से कम स्कूल थे ना बाबा। गुजरात का यह मॉडल है, प्रधानमंत्री गए तो रात रात में और अस्पताल पोत पात का नीचू खद्दो खद्दो स्कूल 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 बढ़िया से बढ़िया नकली स्कूल में मोदी जी बैठे जा करके। क्या लग रहा है गुजरात में क्या होगा? गुजरात हिमाचल में तो कांग्रेस आएगी, अब मिली जुली सरकार गुजरात में बनेगी। तो मिली जुली कैसे आ जाएगी ये बताओ, गठबंधन करेंगे क्या केजरीवाल जी बीजेपी से? केजरीवाल नहीं करेंगे, कांग्रेस नहीं करेंगे केजरीवाल। कौन करेंगे? नहीं आज मैंने पहली बात देखी है, और कोई पार्टी जाए रेता। सरकार कैसे बनेगी गुजरात में, किसकी बनेगी? आपकी सुकड़ा साहब बन जा रहे हो, सुकड़ा साहब बनेगी ये बता नहीं है। हाँ भैया बताओ किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी, 100% बनेगी। क्यों बनेगी? बीजेपी की बनेगी, और कोई हाई पार्टी के आगे? केजरीवाल। अरे केजरीवाल कहा, केजरीवाल कुछ केजरीवाल नहीं है। दिल्ली में क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया केजरीवाल ने, केवल लिपा पोती करी और कुछ नहीं किया, केवल जितने भी। हाँ बाबा क्या दारू बांट रहे केजरीवाल? दारू फ्री, दारू फ्री जी हाँ। जो जो पूरे हिंदुस्तान से पंजाब शराब बना दिया, दिल्ली शराब बना दी, गुजरात को शराब बना दिए, 70-70-80 लड़के दारू पीने लगे, बैठ गए सड़क वहाँ ठेकों पर जाके, एक के साथ दो फ्री, एक के साथ दो फ्री। अरे कोई तरीका एक के साथ दो फ्री करने का? अरे कुछ जनता को पानी दो, पानी अच्छा दो, सफाई करो, गंदी करो, दारू फ्री बांट रहे, दारू पे पैसे लुटा रहे हैं। अरे कोई ये तरीका गवर्नमेंट बनाने का? तो ये कह रहे हैं बिजली फ्री पानी फ्री भी तो दे रहे हैं। बिजली फ्री पानी क्या दे रहे हैं? पानी फ्री आज तक की किराया दो बिजली पानी फ्री मिला है कि इतने? ये दिल्ली, दिल्ली जो है, दिल्ली जो दिल्ली की जनता है, 90% किराएदार है इसमें, 90% 10% मकान मालिक है। किसी किराएदार को बिजली पानी फ्री मिला है किसी किराएदार को? यूं कह रहे हैं दिल्ली को बनाया है लंदन, अमेरिका बनाएंगे गुजरात को अरविंद केजरीवाल। अजी बना दिया इन पर अपना घर तो बन जा रहा ढंग से। अजी मिल गई इनके इनके घर की सरकार है, 300 बिजली फ्री देंगे यूनिट। सरकार बनेगी ना? अजी बन गई सरकार, हम कह ना बने सरकार है? सरकार ना बने गुजरात अजी ना बनेगी। शपथ लेंगे? लेंगे, ले ली शपथ। ऐसे झाड़ू लगाएंगे और क्या करेंगे? झाड़ू का काम है, झाड़ू लगाने का काम है। कह रहे ईमानदार नेता है अरविंद केजरीवाल जी। सबसे बड़े बेईमान है, सबसे बड़ा बेईमान हम, सबसे बड़ा बेईमान है। तो ये हाँ भैया बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, गुजरात में क्या होगा? गुजरात में बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से? कहाँ बीजेपी आ जाएगी यार, वहाँ झाड़ू चल रही है। अरे एमसीडी में देख लेना, दिल्ली में बीजेपी आएगी। हाँ हाँ झाड़ू नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। केजरीवाल तो खुश है, सत्यानाश मिठाई दिल्ली का जगह जगह काम हो नहीं रहे हैं। हाँ दारू पी पी के दिल्ली में जमना तो छठ कर रहे, छोड़े नहीं इन्होंने, गंदा पानी मेरे बिल्कुल कर दिया, कोई छठ तक नहीं किया जमना पे। ये दिल्ली में लाएंगे इनको,
इनको दिल्ली में कभी नहीं आएंगे, खत्म, एमसीडी में भी खत्म। तो दिल्ली में नहीं आएंगे, गुजरात में तो आएंगे? तो मतलब ही नहीं बनता भाई साहब, गुजरात और गुजरात को तो और शैतान बना देंगे, जा करके बेवड़े बना देंगे गुजरात को, फिर दारू दे करके, गंदा पानी दे करके। सब देश तो ऐसे ही है पूरा हिंदुस्तान में, सब जगह सही है कि नहीं है? दिल्ली क्यों खराब है? वही दशा करेंगे जा करके गुजरात में। ये कह रहा हूँ कि आधे शराबी बन गए, और अगर गुजरात में बन गई अपनी ये झाड़ू वाले, तो आधे शराबी और वहाँ बढ़ जाएंगे। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो सही कह रहे हैं, जनसंख्या कम करनी है भाई, दारू पी पी के तो होगी कम से कम जनसंख्या कम। बस अच्छा, झाड़ू नहीं चलेगी क्या? पक्का नहीं चलेगी? अरे चलेगी झाड़ू आपकी बार, मोदी को हटा रही है जनता चलाने, मोदी को हटा रही है। जब आप जाओगे चलाने क्या करोगे फिर? आप जाओगे चलाने झाड़ू जब नहीं चलेगी? मोदी में क्या आया सर? जो काम करवाया उन्होंने, उसने काम करवाया उन्होंने, और हर चीज मजबूत की है, क्या मजबूत नहीं किया है? और वैक्सीन किसी के देश ने बना नहीं पाई, अपने यहाँ वैक्सीन इंडिया ने बनवाई, तो किसने नहीं किया ये सब? बीजेपी ने तो किया। मोरबी में जो पुल गिरा वो भी तो पुल गिर गए, मोरबी में जो पुल गिरा वो भी तो बताइए, तो सरकार तो उन्हीं की है ना वहाँ। कह रहे मोदी ने पुल गिरा दिया। अरे मोदी ने थोड़ी पुल गिरा दिया, ये बताओ कि नहीं, दिल्ली संभाल नहीं रहा है, जाके दो करोड़ का आम आदमी पार्टी जाके गिरवा दी, राजनीति की है। दो करोड़ का टेंडर 12 लाख गिरवाए, सारे तंत्री मंत्री बीजेपी के सब खा गए, केजरीवाल जाके गिरवाए हैं, वहाँ दिल्ली संभाल नहीं रहा है, वहाँ जाके पुल गिरवा रहे हैं, 88 लाख 1 करोड़ 88 लाख, और जनता के वहाँ बुद्धू बना रहे हैं पुल गिरवा करके, इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। बहसबाजी शुरू है, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। आखिर आप भी इस वीडियो में अपनी राय रखिए कि आखिर गुजरात में क्या होने जा रहा है। दिल्ली की जनता ने तो बता दिया, दिल्ली की जनता की राय तो आपने सुन ली, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख के बताइए कि क्या अब की बार गुजरात में बदलाव होगा, क्या कांग्रेस या फिर झाड़ू वहां पर चलेगी, या फिर एक बार फिर से गुजरात की जनता गुजरात में कमल खिलाएगी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।